क्वेश्चन नंबर एक है आपका, कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया? ए बेटसन, बी ए जोहानसन, सी ए लुईस पाश्चर और डी ए डेनमार्क। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जोहानसन। क्वेश्चन नंबर दो है, जो लक्षण F1PD में प्रदर्शित होते हैं वे कहलाते हैं? ए ए प्रभावी लक्षण, बी ए प्रभावी लक्षण, सी है दोनों, डी ए इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा बी प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर तीन है, किसी माता के लड़का होगा या लड़की, ये किस पर निर्भर करता है? ए माता पर, बी पिता पर, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बी पिता। प्रश्न नंबर चार है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ए बेटसन, बी ए जॉनसन, सी ए मेंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेंडल, सी। क्वेश्चन नंबर पांच, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया? ए है मटर, बी है उद्यान मटर, सी है मूंगफली, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा बी उद्यान मटर होगा। हेलो दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए प्लीज़ यार आपका क्या लगता है, एक बार लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है, इस पर आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर छः आपका, प्राकृतिक वरण के द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए लेमार्क ने, बी ए जॉनसन ने, सी ए रॉबर्ट डार्विन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी रॉबर्ट डार्विन। प्रश्न नंबर आपका सात है, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए आपके चीन के विद्यार्थी से, बी ए चिंपांजी से, सी ए मकड़ी से, डी ए जीवाणु से। इसमें जो सही उत्तर है ए चीन के विद्यार्थी से। क्वेश्चन नंबर आठ है आपका, वह संकरण जिसमें एक जोड़ी युग्म विकल्पों का संकरण करवाया जाता है उसे कहते हैं? ए है द्विसंकर संकरण, बी ए त्रिसंकर संकरण, सी ए एक संकर संकरण और डी इनमें से कोई। इसका जो सही उत्तर है एक संकर संकरण। क्वेश्चन नंबर नौ, एक संकर संकरण में एक F1PD में प्राप्त पौधे थे, बोने बी में लंबा, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। तो उसका आंसर सही है बी लंबे। क्वेश्चन नंबर है दस, एक संकर संकरण से प्राप्त F1PD में सौ परागण कराने पर प्राप्त पौधों का लक्षण प्रारूप है? ए एक अनुपात दो अनुपात एक, बी है नौ तीन तीन एक, सी है तीन अनुपात एक और डी है दो अनुपात एक। तो इसका सही उत्तर होगा सी तीन अनुपात एक।